वेलकम डियर रॉकर्स, आज की मूवी है मूनमैन, जो फ्यूचर पर आधारित है। तो मूवी की शुरुआत में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड धरती की ओर आ रहा होता है। अब इसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन प्लान किया जाता है, जिसका नेतृत्व चाइनीज सरकार कर रही होती है। ऑपरेशन का नाम है UNMS, जिसमें चांद पर बनाए गए स्पेस स्टेशन से कुछ सुपर न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च किए जाएंगे, जो एस्ट्रॉइड को रास्ते में तोड़ देंगे। एस्ट्रॉइड के टुकड़ों को चांद रोक लेगा और इस तरह धरती पर एस्ट्रॉइड के टुकड़े कभी नहीं गिरेंगे। 8 साल की मेहनत और प्लानिंग के बाद मिसाइल्स लॉन्च किए जाते हैं और वे एस्ट्रॉइड को तोड़ने में सफल भी हो जाते हैं। फिर जान बच जाने की खुशी में धरती पर लोग खुशी से पागल हो रहे होते हैं। अब मून स्टेशन में इस प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस इंजीनियर डुगू प्रोजेक्ट कमांडर जिंक का स्वागत करता है, जो मिसाइल्स लॉन्च करके अभी लौटी है। डुगू को जिंक पर क्रश है, लेकिन जिंक उसे आलसी और निकम्मा कहकर चली जाती है। तभी अचानक ये पता चलता है कि सोलर स्टॉर्म के कारण एक मिसाइल की दिशा बदल गई थी और अब एस्ट्रॉइड का एक बड़ा टुकड़ा मून स्टेशन की ओर आ रहा है। जिंक तुरंत सभी को अलर्ट कर देती है और इवैक्यूएशन रॉकेट में चले जाने को कहती है, लेकिन डुगू अपने ख्यालों में खोया होता है। जब वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर आता है तो एक के अलावा सभी रॉकेट्स चांद से निकल चुके होते हैं और आखिरी रॉकेट को जिंक चला रही होती है और डुगू स्पेस रोवर में उसकी ओर जाता है, लेकिन रास्ते में एक बड़े क्रेटर में वो फंस जाता है। अब और कोई रास्ता न पाकर जिंक उसको वहीं छोड़कर चले जाती है। जब डुगू बाहर निकलता है तो रॉकेट जा चुका होता है। इतने में एस्ट्रॉइड चांद पर गिरने लगते हैं और फिर डुगू जान बचाकर एक क्रेटर में चला जाता है, लेकिन एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि उसे रद्दी की तरह उठाकर फेंक देता है और वो बेहोश हो जाता है। इतने में एक और एस्ट्रॉइड चांद के ऊपर से होकर धरती की ओर तेजी से चला आता है। अब होश आते ही डुगू अपने टीममेट्स को कोसने लगता है और देखता है कि एक बड़ा एस्ट्रॉइड धरती को इम्पैक्ट करने जा रहा है। कुछ ही देर में धरती पर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और धरती का एक हिस्सा बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब डुगू जल्दी से लूनार बेस में जाकर धरती के ह्यूमन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं आता और इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और डुगू को यकीन हो जाता है कि पूरे यूनिवर्स में उसके अलावा और कोई ह्यूमन जिंदा है ही नहीं। वो अपने मरे हुए टीममेट्स को श्रद्धांजलि देता है, लेकिन उसे खुशी होती है कि उसके पास बहुत सारा खाना स्टॉक में है, जिससे वो 80 साल तक जिंदा रह सकेगा। एक दिन वो जिंक के कमरे में जाता है। अकेलेपन से वो एकदम पागल हो चुका है और जिंक की एक इमेज के साथ डेटिंग करने लगता है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि कुछ ह्यूमंस एस्ट्रॉइड से बच गए थे और जिंक और उसकी टीममेट्स धरती पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। धरती के अंडरग्राउंड बेस में जिंक और उसके साथी डुगू का सारा पागलपन देख रहे होते हैं। उसकी हरकतें देखकर सभी चौंक जाते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट चेयरमैन कहता है कि तुम्हें डुगू को कांटेक्ट करना चाहिए। वो डुगू के सर्वाइवल की कहानी को धरती पर जिंदा बचे ह्यूमंस को दिखाना चाहता है, ताकि इन बदतर हालात में भी उन्हें जीने का हौसला बना रहे। लेकिन अब एस्ट्रॉइड की वजह से धरती और मून स्टेशन के बीच का लिंक बिल्कुल टूट गया है और बातचीत करना लगभग नामुमकिन हो गया है। यहाँ मून स्टेशन में डुगू एक खुला हुआ फूड पैकेट देखकर बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि उसने वो पैकेट नहीं खोला था। तभी अचानक स्टोर रूम से एक आवाज आती है। डुगू वहाँ पर जाता है तो एक परछाई दिखाई देती है, जिससे लगता है कि एक औरत लेटी हुई है। अब डुगू की उम्मीदें फिर से जाग जाती है और वो उस परछाई के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर जाकर पता चलता है कि वो एक जायंट कंगारू है जिसका नाम कॉन्ग है। दरअसल ये इस रिसर्च के लिए यहाँ पर लाया गया था। फिर डुगू एक बेलचे से उसको हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग उल्टा चिढ़कर उसको पीटने लगता है। अब डुगू रियलाइज करता है कि ताकत से तो कॉन्ग को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए वो एक फीमेल कंगारू की तरह ड्रेस पहनकर कॉन्ग को सेड्यूस करता है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो मुसीबत को मोल ले रहा है। फीमेल को देखकर तो कॉन्ग इतना एक्साइटेड हो जाता है कि डुगू के साथ बिल्कुल इंटीमेट होने की कोशिश करता है। इतने में डुगू का कॉस्ट्यूम उतर जाता है और कॉन्ग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो डुगू को एक लात मारकर वहीं दूर फेंक देता है। अब इस पार्ट को देखकर धरती पर सभी को शॉक पे शॉक लग रहा होता है, लेकिन यहाँ डुगू हार नहीं मानता और अपने गैटलिंग गन निकालकर कॉन्ग पर प्लास्टिक बॉल्स फायर करने लगता है। फिर कॉन्ग घबराकर कुछ देर के लिए भाग जाता है, लेकिन बाद में आकर डुगू को धड़ाधड़ पीटता है। लड़ाई में दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। जब डुगू खुद को संभाल कर उठता है तो देखता है कि उसे कम्युनिकेशन सिग्नल्स मिल रहे हैं और अब वो खुश भी हो जाता है कि धरती पर ह्यूमंस अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कॉन्ग की पूंछ के हिलने से ये सिग्नल मिला है। फिर वापस धरती पर जाने की उम्मीद से अब डुगू बहुत इमोशनल हो जाता है और कॉन्ग के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, लेकिन कॉन्ग उसके रोने धोने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और डुगू को एक तगड़ा पंच करता है। इस तरह 200 दिन बीत जाते हैं और अब डुगू को कॉन्ग की आदत पड़ गई है, लेकिन उसने एक एस्केप प्लान बना लिया है। दरअसल अपोलो 18 मिशन का एक स्पेस क्राफ्ट यहीं पर है, जिसकी मदद से वो पास के किसी स्पेस स्टेशन तक पहुंच सकता है। फिर उस एस्केप स्टेशन के एस्केप पॉइंट्स में वो धरती पर लौट सकता है। अब एक दिन डुगू और कॉन्ग उस पुराने स्पेस क्राफ्ट की तलाश करते हैं और उसे मून स्टेशन पर लेके आते हैं, लेकिन डुगू को पता चलता है कि ये स्पेस क्राफ्ट सिर्फ 20 पाउंड वजन ही कैरी कर सकता है, लेकिन अगर इसका प्रोपल्शन सिस्टम चेंज किया जाए
तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। डोगो फिर रियलाइज करता है कि न्यूक्लियर वेपन का प्रोटोटाइप अभी भी यहाँ पर मौजूद है। डोगो अपनी जरूरत की चीजें ले लेता है और कॉन्ग के साथ उस न्यूक्लियर रॉकेट को लेने जाता है। वो जानता है कि रॉकेट चांद की दूसरी तरफ है जहाँ पहुँचने में कई हफ्ते लग सकते हैं। अब यहाँ कमांडर सिंह और उसके साथियों को डोगो की फिक्र होने लग जाती है क्योंकि डोगो का व्हीकल सोलर पावर से चलता है और प्रति लूनर साइकिल में चांद के सरफेस पर सिर्फ 14 दिनों के लिए सूरज की रोशनी आती है। इस वजह से डोगो का व्हीकल सिर्फ 6500 किलोमीटर कवर कर पाएगा, लेकिन रिसर्च बिल्डिंग में जहाँ पर रॉकेट है वो लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब है कि बीच रास्ते में ही चांद पर सूर्यास्त हो जाएगा और डोगो का व्हीकल भी रुक जाएगा और तब डोगो फ्रीज होकर मर जाएगा। जब जिंग की टीम इस तरह उम्मीद खो चुकी होती है तो वे नोटिस करते हैं कि डोगो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। दरअसल डोगो ने सनलाइट को चेस करने का फैसला किया है क्योंकि चांद सिर्फ 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रोटेट होता है और इस प्लान के अनुसार उसे अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए 41 दिन लगेंगे जब सूरज की रोशनी उसको लगातार मिलती रहेगी, लेकिन 41 दिनों में वो रोज सिर्फ 4 घंटे सो पाएगा। अब इस खतरनाक और लंबे सफर में डोगो दिन भर दिन कमजोर और लाचार फील करने लगता है और उसको हलुसिनेशन भी होने लग जाते हैं, लेकिन कॉन्ग उसको मोटिवेट करता रहता है कि आगे बढ़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक लंबे और खतरनाक सफर के बाद दोनों उस रिसर्च फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं। अंदर डोगो को न्यूक्लियर वारहेड मिलता है जिसे वो धीरे से जमीन पर रखता है। अब कॉन्ग कंट्रोल बटन से खेलने लगता है जिसकी वजह से डोगो को डर होता है कि कहीं कॉन्ग इस मिशन को फ्लॉप न कर दे। फिर वारहेड लेकर लौटते वक्त डोगो कॉन्ग को एक ट्रंक में बंद कर देता है ताकि वो इस मिशन के साथ दोबारा खिलवाड़ न करे और फिर इस लंबे सफर में खुद को मोटिवेट करने के लिए लाउड म्यूजिक प्ले करने लगता है और नोटिस नहीं करता है कि रास्ते में ट्रंक व्हीकल से अलग हो गया है। और अब कई सौ किलोमीटर के सफर के बाद वो रियलाइज करता है कि कॉन्ग पीछे छूट गया है। अब वो बड़ी दुविधा में होता है क्योंकि अगर वो कॉन्ग को लेने वापस गया तो सनलाइट को खो देगा और बीच रास्ते में ही व्हीकल रुक जाएगा। अगर वापस नहीं गया तो कॉन्ग फ्रीज होकर वहीं मर जाएगा। लेकिन डोगो अपनी जान को खतरे में डालकर कॉन्ग को बचाने के लिए चला ही जाता है और कई घंटों के सफर के बाद वो कॉन्ग तक पहुंच जाता है। फिर कॉन्ग खुशी के मारे उसको चाटने लगता है। फिर दोनों मून स्टेशन तक के सफर को कंटिन्यू करते हैं। अब सूरज उनके व्हीकल से दूर जाने लगता है और दोनों बड़ी मुश्किल से जागते रहते हैं, लेकिन लगता है डोगो हार के जीतने वाला बाजीगर है। वो व्हीकल की बैटरी को आखिर तक चलाता है और बैटरी सेव करने के लिए अंदर का हीट भी ऑफ कर देता है। आखिरी बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है और व्हीकल मून स्टेशन से 55 किलोमीटर की दूरी पर रुक जाता है। अब उनके पास सिर्फ 3 घंटे का ऑक्सीजन होता है। डोगो जानता है कि यहां कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, इसलिए दोनों व्हीकल से बाहर आकर अपनी मौत का इंतजार करते हैं। पर डोगो नोटिस करता है कि कॉन्ग लाइट के रिफ्लेक्शन से अट्रैक्ट होता है। तब उसको एक आइडिया आता है। वो अपनी व्हीकल का दरवाजा तोड़ता है और उसे एक बर्फ गाड़ी की तरह कॉन्ग के साथ बांध देता है। फिर वो कॉन्ग के आगे लाइट फ्लैश करता है जिससे कॉन्ग तेजी से चेस करने लगता है। डोगो उसके साथ खींचा चला जाता है। रास्ते में एक बहुत बड़ा क्रेटर होता है, पर डोगो तो बाजीगर है। वो कॉन्ग को इंस्ट्रक्ट करता है कि अगर तुम असली कंगारू के बच्चे हो तो छलांग मारो। कॉन्ग बिल्कुल वैसा ही करता है। तब डोगो अपने गैस टैंक को खोल देता है जिसके प्रेशर से वो कार्टर के उस तरफ पहुंच जाते हैं और इस तरह दोनों जिंदा मून स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। धरती पर चेयरमैन ये सब कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है और इससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि बुरे से बुरे हालात में भी इंसानियत जिंदा रह सकती है। डोगो फिर कोशिश करके वारहेड को बेस स्टेशन में लेके आता है और धरती पर लौटने की तैयारी करने लगता है, लेकिन वो नहीं जानता है कि एक और एस्ट्रॉइड धरती की ओर बढ़ रहा है। डोगो को एक और सिग्नल मिलता है और वो बहुत खुश हो जाता है कि धरती से ह्यूमंस उसको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जल्दी उसकी खुशी निराशा में बदल जाती है क्योंकि ये असली सिग्नल नहीं था बल्कि कॉन्ग वायर के साथ खेल रहा था। एक बार फिर डोगो को लगता है कि धरती पर कोई नहीं है और इसलिए वहाँ जाना बेकार है, लेकिन धरती के लोग नहीं चाहते कि वो मायूस हो, इसलिए वो एक जगह इकट्ठा होकर चांद की ओर अपने फ्लैशलाइट दिखाते हैं। आखिर डोगो उन टिमटिमाते फ्लैशलाइट्स को देख रहा होता है और बड़ा इमोशनल हो जाता है कि अब वो अकेला नहीं है, कोई तो है उसके साथ। उसकी हिम्मत बढ़ जाती है और वो अपने रिसीवर्स को रियलाइन करके धरती से कम्युनिकेट करता है। फिर वो अपनी क्रश जिंग से भी बात करता है। एक बार प्राइवेट में बातें करते वक्त डोगो जिंग को बता ही देता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए यूएनएमएस मिशन ज्वाइन किया था। जिंग भी बड़ी इमोशनल हो जाती है कि उसने डोगो को वहाँ छोड़ दिया और वह यहाँ वापस चले आई। फिर वो डोगो से माफी मांगती है। अगले सीन में डोगो अपने टीममेट्स की सलाह लेकर रॉकेट के प्रोपल्शन सिस्टम को मॉडिफाई करता है। फिर डोगो और कॉन्ग धरती पर लौटने के लिए लूनर ऑर्बिट में सुरक्षित पहुंच जाते हैं, पर वे नहीं जानते कि एक और एस्ट्रॉइड धरती की ओर बढ़ रहा है। डोगो लूनर सिस्टम में पहुंचकर वहां के एस्केप पॉड्स को तैयार करता है। तभी जिंग को उस एस्ट्रॉइड के बारे में पता चलता है जो धरती को मिटा देगा। यूएनएमएस हेडक्वार्टर से मैसेज आता है कि अब सिर्फ डोगो इंसानियत को मिटने से बचा सकता है क्योंकि लूनर स्पेस स्टेशन में न्यूक्लियर वेपन है जिससे उस एस्ट्रॉइड को रोका जा सकता है। जब सिंह डोगो को ये बात बताती है तो वो इंसानियत की खातिर अपनी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। अब यूएनएमएस हेडक्वार्टर से सभी को चेतावनी दी जाती है कि वे अपने शेल्टर्स में लौट जाएं और बुरे से बुरे अंजाम के लिए बिल्कुल तैयार रहे। स्पेस में डोगो कॉन्ग को अलविदा कहता है और उसे एक एस्केप पॉड में भेज देता है ताकि वो धरती पर सेफ पहुंच जाए। कुछ देर बाद डोगो एस्ट्रॉइड की ओर जाता है। रास्ते में वो चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों से घिर जाता है।
उन से बचने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थरों की संख्या बढ़ती जाती है। एक पत्थर उसके शिप से टकरा जाता है और वो स्पेस में बुरी तरह स्पिन होने लग जाता है। शिप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तभी डुगु को एक आइडिया आता है और वो शिप का दरवाजा तोड़ देता है, जिससे प्रेशर इक्वलाइज हो जाता है। अब शिप सीधा हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि शिप का इंजन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब वो एस्ट्रॉइड के पास नहीं जा सकता। उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो खुद न्यूक्लियर वेपन को लेकर एस्ट्रॉइड के पास जाने का फैसला करता है। इसका मतलब यह है कि वो बहुत ही दर्दनाक मौत मरेगा, लेकिन वो इस बारे में सोचकर इतना टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत बाहर जाकर वॉरहेड को अनलॉक कर देता है। फिर वो न्यूक्लियर वॉरहेड को साथ लेकर अपने जेट पैक की मदद से एस्ट्रॉइड की ओर जाने लग जाता है। अनगिनत पत्थरों के बीच में डुगु का स्पेस सूट बिल्कुल डैमेज होने लग जाता है, लेकिन वो आखिरी एस्ट्रॉइड तक पहुंच जाता है। आखिर पल में वो अपने क्रश जिंग के बारे में सोचता है। फिर एक पावरफुल एक्सप्लोजन होता है और एस्ट्रॉइड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। धरती पर सभी शेल्टर से बाहर आकर आसमान में होते हुए एक्सप्लोजन को देखते हैं और चैन की सांस लेते हैं कि वे इस एपोकलिप्स से बच गए। लेकिन उन्हें दुख भी होता है कि डुगु को इस तरह अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ी। कई साल बीत चुके हैं और अब हम ह्यूमंस ने धरती को पहला जैसा बना दिया है। कॉन्ग को वापस उसके नेचुरल हैबिटेट में भेजा जाता है। जिंग और उसकी टीम को फिर से चांद पर भेजा जा रहा है ताकि वे इस तरह के एस्ट्रॉइड से धरती को प्रोटेक्ट कर सके। और दोस्तों, इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म होती है।